हे दोस्तों, क्यों के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं उन दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे नए चैनल टॉप 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब किया। मूवी ही की तरह ये मेरा सपना था कि मैं आप सब दोस्तों को दुनिया के बारे में भी छोटी बड़ी जानकारी दूं। लेकिन टॉप 5 हिंदी पर ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पर हम मूवी की वीडियो डालते हैं, इसीलिए हमने ये चैनल खोला है जहाँ आपको दुनिया के बारे में बहुत ही गजब गजब की बातें मालूम पड़ेगी जो आपको जाननी भी चाहिए। तो अगर आप भी इस दुनिया का हिस्सा हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं तो प्लीज आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर जरूर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें जो आपके मन में हो, ताकि हमें पता चले कि आप इस चैनल के बारे में क्या सोचते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है। सबसे पहला सवाल आज ट्विटर से है। कामरान इकबाल पूछते हैं, द विचर सीजन 2 कब आएगी और क्या हाल की कोई मूवी आ रही है? प्लीज आंसर मी। द विचर सीजन 2 लगभग कंप्लीट है जो इसी साल यानी कि 2021 में आएगी। हालांकि रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, पर रूमर है कि द विचर का दूसरा सीजन हमें सितंबर या फिर अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। हालांकि जैसे ही रिलीज डेट कंफर्म होता है हम आपको सोशल मीडिया पर अपडेट कर देंगे। रही बात हल्क की, तो अभी कोई मूवी कंफर्म नहीं है, पर सी हल्क का लाइव एक्शन आ रहा है जिसमें लेडी हल्क के साथ हमारे मार्क रुफेलो यानी कि ब्रूस बैनर भी नजर आएंगे। पंकज भाई पूछते हैं, नवीन पुलिस शेट्टी की अपकमिंग मूवी कौन सी है? मुझे पता है कि कल तुमने एजेंट साई श्रीनिवास अथरिया देखी है। हाँ, तभी पूछ रहे हो। वैसे किस किस ने एजेंट साई फिल्म देखी है और आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। नवीन सर की अगली फिल्म है जाति रत्नालू, ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे मार्च में रिलीज किया जाएगा। मृत्युंजय पूछते हैं, RRR का रिलीज डेट लीक हुआ है क्या? हाँ, मैंने भी सुना था कि एक्ट्रेस एलिसन डूडी जो इस फिल्म में काफी अहम रोल में हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर RRR की रिलीज डेट लीक कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस पोस्ट को हटा दिया था। अब वो रिलीज डेट क्या थी तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ बातें सरप्राइज रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे आपके हिसाब से RRR फिल्म हमें कब तक देखने को मिल सकती है हमें कमेंट में जरूर बताएं। काफी लोगों ने पूछा है कि वांडा विजन हिंदी में आएगी या नहीं। अब यार MCU की सीरीज है तो आनी तो चाहिए, लेकिन अभी तक जितने भी एपिसोड रिलीज हुए हैं वो हिंदी में नहीं आए हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बैंग ह्यूमन पूछते हैं, अंतिम में हीरोइन कौन है जरूर बताना। सलमान खान और आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म अंतिम में आपको महिमा मखवाना नजर आएंगी। आतिफ से भी पूछते हैं, कन्फर्म हीरोइन और विलन कौन है सालार मूवी में? सालार मूवी में अभी प्रभास के अलावा किसी और की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हाँ, रूमर कई सारे हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो तब तक कुछ कह नहीं सकते। अंकित रंबू पूछते हैं, अपनी फेवरेट मूवी बताओ हिंदी डबर में। ऑल टाइम की तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी इस साल की तो मास्टर ही सबसे अच्छी है। उसके अलावा एजेंट साई भी मैंने कल हिंदी में देखा है, तो वो भी 2021 के हिंदी डबर फिल्मों में मेरी फेवरेट फिल्म है। बाकी तो देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी अच्छी हिंदी डबर फिल्में आती हैं। फैज खान पूछते हैं, भाई वर्ल्ड फेमस लवर के बारे में आप क्या सोचते हैं, मूवी अच्छी होगी या नहीं? सही बताऊं तो मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखा है, तो जब देखूंगा तभी बता सकता हूं कि ये फिल्म कैसी होगी। तो देखते हैं कि हिंदी भाषा में फिल्म को लोग कितना पसंद करते हैं। साहिल भाई कहते हैं, भाई मास्टर मूवी के हिंदी रिमेक में विजय सेतुपति सर के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे रहेंगे? सही रहेंगे, लेकिन नवाज की बॉडी और विजय सेतुपति की बॉडी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर बॉडी को साइड कर दें तो दोनों ही एक्टर बहुत ही जबरदस्त हैं, और मुझे भी लगता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी विजय सेतुपति की एक्टिंग जरूर कर लेंगे। प्रीत वर्मा पूछते हैं, भाई आप क्रिकेट देखते हो? जी हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अमृत रोहित पूछते हैं कि वंडर वुमन 1984 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है? इंडिया की बात करें तो यहाँ इस फिल्म ने लगभग 15 करोड़ की कमाई की है, जो कि लॉकडाउन के हिसाब से ठीक ठाक है। वहीं बाहर के देशों की बात करें तो इस फिल्म ने करीब करीब $142 मिलियन से ज्यादा की कमाई की है। हालांकि इसका बजट देखें तो काफी कम है, लेकिन फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हुई है तो कलेक्शन इतना ही रहेगा। कई लोगों ने पठान मूवी के बारे में पूछा है, तो यार अभी इस फिल्म के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। समरफूल पूछते हैं कि कभी ईद कभी दिवाली कब रिलीज होगी? अभी तक तो ये फिल्म इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ईद के मौके पर राधे फिल्म रिलीज होगी और कभी ईद कभी दिवाली शायद क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ रूमर है, लेकिन राधे फिल्म का बिल्कुल कंफर्म है कि राधे फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। कभी ईद कभी दिवाली का जब अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। चतुर्विशाल पूछते हैं, आसुरन मूवी कब तक आएगी? आसुरन मूवी 6 फरवरी को शाम 7 बजे ढिंचाक के टीवी चैनल पर आएगी, और उसके बाद इस फिल्म को गोल्ड माइंड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। आचार्य ओमकार कहते हैं, कैसे हो भाई,
क्या पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का 6 पार्ट आएगा और जॉनी डेप होंगे या नहीं। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 नहीं बल्कि इस पर एक फीमेल स्पिन ऑफ फिल्म बन रही है जिसकी अनाउंसमेंट जून 2020 में हुई थी। और रही बात जॉनी डेप की, तो नहीं, अब वो जैक स्पैरो के रोल में दोबारा नहीं नजर आएंगे। योगेश भाई पूछते हैं, सर अक्षय कुमार का कितना मूवी 2021 में आएगा। 2021 में एक तो सूर्यवंशी है, दूसरी है अतरंगी रे, तीसरी फिल्म है बेल बॉटम और चौथी फिल्म है पृथ्वीराज। अब इन चार फिल्मों में से इस साल कितनी फिल्में रिलीज होंगी अभी ये कंफर्म नहीं है। युवराज भाई पूछते हैं, द फैमिली मैन सीजन 2 का ट्रेलर कब आएगा। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि आखिर द फैमिली मैन सीजन 2 का ट्रेलर कब आएगा। और हाँ, आज गोडजिला वर्सेस कॉन्ग का भी ट्रेलर आने वाला था, वो भी नहीं आया। तो अब देखते हैं कि ये दोनों ट्रेलर हमें कब तक देखने को मिलता है। राज भाई दो सवाल पूछते हैं, बैड बॉय का नेक्स्ट पार्ट आएगा क्या और सूर्यवंशी की फाइनल रिलीज डेट कौन सी है। बैड बॉय का नेक्स्ट पार्ट, जी हाँ, जब तीसरा पार्ट हिट हुआ है तो जाहिर है कि चौथा पार्ट भी जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। और सूर्यवंशी, तो अभी इस फिल्म के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। वैसे होली कब है, कब है होली, कब? लाहौरक भाई ने दो सवाल पूछा है। पहला सवाल है, साहिद भाई क्या OMG 2 बनेगी। हाँ, अभी कुछ दिनों से रूमर है कि अक्षय कुमार और परेश रावल OMG 2 करने वाले हैं, लेकिन कब तक तो अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दूसरा सवाल है, अपकमिंग अक्षय कुमार सर की मूवी पर वीडियो बनाओ। अक्षय कुमार की फिल्मों की रिलीज डेट जैसे ही कंफर्म होती है मैं तुरंत ही इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। सत्या भाई पूछते हैं, भाई OTT पर रिलीज फिल्म हिट है या फ्लॉप कैसे पता चलता है। रेटिंग और क्रिटिक्स के रिव्यू से पता चलता है कि फिल्म कैसी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मिस्टर सिद्धार्थ पूछते हैं, भाई टाइगर श्रॉफ की रैम्बो आएगी या नहीं आएगी। नहीं आएगी भाई, वो मूवी तो कब की कैंसिल हो गई है। अब तो टाइगर भी अलग अलग फिल्में कर रहे हैं और सिद्धार्थ सर तो अपनी एक अलग यूनिवर्स में बिजी हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो फिल्म लगभग कैंसिल हो गई है। आखिरी सवाल, अली जफर कहते हैं कि सर मेरा सवाल है कि मास्टर फिल्म नॉर्थ में हिट है या फ्लॉप। देखो, मुझे तो फिल्म काफी अच्छी लगी थी, रही बात नॉर्थ की, तो फिल्म एवरेज गई है, लेकिन साउथ में ये फिल्म जबरदस्त हिट है। वैसे आपको मास्टर फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।